मैं अंसारी बात कर रहा हूँ गोदरेज से। आप लोग देख सकते हो, आपको इस प्रकार का एक लिंक आया होगा जिस पे आप क्लिक करते हो तो गोदरेज का एक ऐप जो है तो वो डाउनलोड होने के लिए जाएगा। गोदरेज विशेष लाभ क्लब ये ऐप है, उस पे आप ओपन पे क्लिक करोगे। अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया है तो आप ओपन पे क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा, और अगर नहीं डाउनलोड किया तो यहाँ इंस्टॉल बटन रहेगा, इंस्टॉल पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी देखिए, मैं ऐप ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है, तो उसमें लॉगिन किस तरह से करना है ये मैं इसमें दिखा रहा हूँ। तो ये ऐप शुरू होता है, मानिए मैंने इसमें इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किया है, यहाँ मोबाइल नंबर सिर्फ मुझे डालना है। जैसे मेरा मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे डालता हूँ, आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो डालना है आपको। ये देखिए, यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर डाला, लॉगिन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। लॉगिन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो उसके बाद देखिए एक इंटर ओटीपी का एक आ गया है वहाँ पे, और मुझे एक ओटीपी का मैसेज आएगा, और ओटीपी जैसे ही है वो ऑटोमेटिक ले लेगा और ऐप ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऐप ओपन हो जाता है, तो ऐप शुरू हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हो किस प्रकार से ये यहाँ पर नाम दिखा रहा है, अंसारी मुदस्सिर अंजुम, ये टेस्ट के लिए मेरा बनाया हुआ है। तो यहाँ आपका नाम दिखाएगा, नीचे यहाँ आपका पॉइंट्स दिखाता है कितने पॉइंट्स जमा हो चुके। ये आपका मेंबरशिप आईडी है, जैसे मेरा आईडी है GVLC000774, तो इसी प्रकार आपका आईडी दिखाएगा। आप आपका पर्सनल डिटेल यहाँ, जैसे नाम पे मैं क्लिक करता हूँ तो पर्सनल डिटेल मेरी आप चेक कर सकते हो। तो इस तरह से आप भी आपका सारी डिटेल चेक कर सकते हो, आपका नाम, मोबाइल नंबर, स्टेट, एड्रेस, और अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक करके आप उसको अपडेट भी कर सकते हो। और फोटो अगर आप आपका अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ जाकर आप आपका फोटो भी अपलोड कर सकते हो, गैलरी से या कैमरे से। जैसे मानिए गैलरी से जाके मैं मेरा फोटो अपलोड करना चाहता हूँ, तो मानिए ये मैंने मेरा फोटो अपलोड करना है, तो मैं यहाँ से मेरा फोटो भी उसके अंदर अपलोड कर सकता हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से मैंने कर लिया, यहाँ पे मैं फोटो अपलोड को कर सकता हूँ। ये ऐप में अगर आप बाकी के इस पे जब आते हो, मेन पेज पर आते हो, तो यहाँ मेन स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करना है आपको। अगर आपका केवाईसी अपडेट है तो यहाँ से आप स्कैन बटन पे क्लिक करके, अगर आपका आधार कार्ड और आपका वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस सबमिट नहीं हुआ है तो वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, और अगर आपका सबमिट हो चुका है तो वो स्कैन ऑप्शन वर्किंग करेगा। तो आप वहां से स्कैन करके प्रोडक्ट को, पॉइंट को जमा कर सकते हो, यहाँ आपका पॉइंट्स दिखेगा। स्कैन कैसा करना है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। तो आज हम लोग ओटीपी से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी ऐप डाउनलोड किया हुआ है तो आपको वो अपडेट के लिए मैसेज आया होगा, तो आपको ऐप को अपडेट कर लीजिए और उसमें मोबाइल नंबर डाल के वापस लॉगिन कर लीजिए। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।